दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज हम आम पन्ना बनाएंगे, थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। ये दो कच्चे आम ले लिए मैंने और थोड़े बड़े बड़े ही हैं। नमक, लाल मिर्च, काला नमक, पिसी हुई चीनी, काली मिर्च, पुदीने के पत्ते और गुड़। इसे आप खाली गुड़ से भी बना सकते हैं और खाली या तो चीनी से भी बना सकते हैं। अब ये जो दो आम हमने लिए हैं, इन्हें हम गैस पे भून लेंगे, जैसे हम बैंगन भूनते हैं ना भरते के लिए, ऐसे भून लेंगे इन्हें। जब तक ये आम भून रहे हैं तो हम ये गुड़ और चीनी इसमें पानी में घोल लेते हैं। तो हम 2 से 3 गिलास बना लेते हैं ये आम पना। गुड़ ले लिया मैंने, ये 1 डली गुड़ थी तो 1 डली डालेंगे बस, कम है गुड़ तो। आधी मैं इसमें चीनी डाल लूंगी, ये 2 बड़े चम्मच चीनी है पिसी हुई, ये डाल लेंगे। और आधा चम्मच काला नमक, आधा ही चम्मच सफेद नमक डाल लेंगे। आम खट्टे हैं तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं नमक। और काली मिर्च आधा चम्मच, और लाल मिर्च भी मैंने आधा चम्मच लिया, ये सारी डाल लेंगे और इसे घोल लेंगे। दोनों आम भी भून गई हैं, हर तरफ से भून ली है मैंने ये। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका छिलका उतार लेंगे हम और गुदा गुदा अलग कर लेंगे। इसका छिलका उतार लेंगे, या आप चाकू से ऐसे 2 फाड़ी काट के चम्मच से भी ऐसे निकाल सकते हैं इसे। तो मैं पहले इसका ये छिलका ऐसे उतार लेती हूँ, और गुदा गुदा हम इसी बर्तन में जो मैंने घोल के रखी थी ना मीठा नमक मिर्च सब, इसमें डाल लेंगे। आप इसे मिक्सी से भी फेंट सकते हैं आंबी को। सारा छिलका ऐसे ही उतार के और इसका गुदा हम ऐसे चम्मच से निकाल निकाल के इसमें डाल लेंगे, और एक बार हैंडी ब्लेंडर या मिक्सी में घुमा लेंगे इसे। आंबी की गुठली में से सारा पल्प मैंने निकाल के लोटे में डाल लिया और मिक्स कर लिया। इसमें एक बार मैंने हैंडी ब्लेंडर से मिक्स कर लिया था, तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो जैसे अच्छी तरह आपको मैश करना हो तो। और इसमें थोड़ा पुदीना मिक्स कर लेंगे, चाहे तो आप गिलासों में डाल लो या इसी में मिक्स कर लो। तो मैं इसी में मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो पुदीना तो डाल सकते हो। और इधर मैंने 2 गिलास लगा लिए, इनमें बर्फ़ डाल लिए 2-2 क्यूब्स, और इसमें हम आम पन्ना डाल देते हैं। आप भी इस तरह से बनाएंगे तो इसका टेस्ट अलग आएगा, थोड़ा स्मोकी स्मोकी आएगा।